हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड। ना ही घंटों आपको गैस के पास खड़ा रहना है, ना ही घी, ना मावा, ना ही दूध और ना ही गैस जलाने की ज़रूरत है। मिनटों में ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड। तो बहुत ही कम चीज़ों में बनकर रेसिपी तैयार होने वाली है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड ये रेसिपी कैसे बनती है। तो ये देखिए, मैंने घर का ये पनीर है, ये मैंने पनीर ले लिया है, वजन में 100 ग्राम है। तो इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये पनीर का बहुत ही टेस्टी बिना गैस जलाए 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको बारीक एकदम कद्दूकस कर लेना है ताकि मेरी जो मिठाई बने वो बहुत ही अच्छी बने, डिलीशियस बने। तो इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है इसे। और ये मिठाई में ना ज़्यादा आपको गैस जलाने की ज़रूरत है, ना ही मावा की ज़रूरत है और ना ही चाशनी की ज़रूरत है। बिना गैस जलाए ये मिठाई बनाकर हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसे घिस लेना है। ये घिस चुका है फ्रेंड। तो इसको हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है, ज़्यादा इसे मसलना नहीं है, थोड़ा सा इसको मसल लेंगे। इस तरीके से मसल लेना है। तो रक्षाबंधन आ रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसी तरीके से अपने घर पर रेसिपी बनाकर जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये मिठाई बनाकर घर पर खा सकते हो या मेहमान को खिला सकते हो। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी कोकोनट पाउडर लिया है। अब ये देखिए, मैंने एक कटोरी चीनी और उसमें 2 इलायची डालकर बारीक पाउडर बना लिया था। तो मैं ज़्यादा चीनी नहीं डालूँगी, मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ही चीनी डालूँगी क्योंकि मुझे मीठा कम बनाना है। आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये देखिए, 5 रुपये वाली मिल्क पाउडर है, इसको एक पैकेट में डाल दूँगी। इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालना है। अब इसे हल्के हाथों से इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि जितना भी इसमें जो चीज़ डालें एक तरीके से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है फ्रेंड। और आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, झटपट आप बनाकर ये मिठाई खा सकते हो या मेहमान को खिला सकते हो। तो मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसे गूंथ लिया है। अब इसका मैं गोल गोल पेड़े बना लूँगी। देखिए इस तरीके से, मैंने इसमें घी नहीं डाला फिर भी देखिए कितना इसमें से घी निकल रहा है। तो इस तरीके से सारे मिठाई को मैं गोल गोल पेड़े बनाकर कोटिंग कर लूँगी नारियल के बुरादे में। तो इस तरीके से देखिए, हमें कोटिंग कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं चेरी लगा दे रही हूँ। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप उससे अपना मिठाई सजा लें। तो इस तरीके से हम सजा लिए हैं। अब देख सकते हैं मेरा मिठाई बनकर एकदम तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी और मिठाई है, बहुत ही झटपट बनकर देखिए तैयार हो चुकी है। और कोई नहीं बोल सकता है फ्रेंड कि आप ये घर पर बनाए हो, बहुत ही एकदम टेस्टी और ये हिंदी मिठाई है। तो आपको तोड़ कर दिखाते हैं इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट बना है। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट लग रहा है। अगर आप इसे खा लेंगे तो मुंह में एकदम घुल जाएगा, आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए सुपर, कितना एकदम टेस्टी और कितना यम्मी बना है। तो आई होप आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है देखने में फ्रेंड। ये बाज़ार जैसा मिठाई लग रहा है देखने में, कोई भी नहीं बता सकता है कि घर पे आप मिठाई बनाकर खा रहे हो। तो क्यों ना, आप रक्षाबंधन आ रहा है या 30 त्यौहार चल रहे हैं तो इस तरीके से आप रेसिपी अपने घर पर ट्राई करें और सभी लोगों में शेयर करें फ्रेंड। मिलेंगे फिर कोई नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।